इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं 200 ग्राम तिल और 150 ग्राम चीनी और 1 चम्मच देसी घी। अब सबसे पहले गैस ऑन करके रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे तिल और तिल को कलर चेंज होने तक हम लगातार इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे और इसको जब तक चलाएंगे जब तक ये फूल कर डबल नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तिल हमारे फूल कर डबल हो चुके हैं और इसका कलर भी आप देख रहे हैं कि चेंज हो चुका है। तो बस तिल हमारे भुन चुके हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम निकाल लेंगे। अब जिस बर्तन में हमें गजक जमानी है उसके लिए हमने ले लिया है प्लास्टिक का एक डिब्बा, इसमें लगा लेंगे बटर पेपर, थोड़ा सा घी लगाकर इसको चिकना कर लेंगे ताकि गजक हमारी बिल्कुल भी चिपके ना। इसको अलग रख देते हैं। तिल भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसको मिक्सी के जार में डालकर हम पीस लेंगे। तो तिल भी हमारे पीस गए हैं और अब हम चाशनी बनाएंगे। अब दोबारा से गैस ऑन करके रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे चीनी, साथ ही उसमें डाल देंगे आधा कटोरी पानी और अब इसकी हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। चीनी भी हमारी धीरे धीरे अब मेल्ट होने लगी है, बस इसको जब तक तार नहीं आता है तब तक हम इस तरह से चलाकर इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हमारी बिल्कुल साफ है, अगर चाशनी हमारी गंदी होती तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालकर पहले इसकी गंदगी को बाहर निकाल देते, लेकिन हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, चीनी हमारी बिल्कुल साफ है। इसको चेक करके देखते हैं, तार इसमें आने लगा है, गैस को स्लो कर देते हैं। अब इसमें डाल देंगे घी, इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे पिसे हुए तिल, मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और ये एक लम्स के रूप में आ जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे, बॉक्स में निकाल लेते हैं, मिक्सार कर लेंगे। इस तरह से दबाकर इकसार कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। गजक हमारी अब ठंडी हो चुकी है, तो इसको अब हम प्लेट पर निकाल कर पलट लेते हैं। बटर पेपर को हटा देते हैं और अब इसमें हम लगा देंगे कट। जितने बड़े आपको रखने हैं उतने साइज के इसमें कट लगा लें। तो देखा कितनी बड़ी गजक बनकर तैयार हो गई है। बस इसको खाएं, खिलाएं और एयर टाइट जार में इसको बंद करके रख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।